सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो आपको भाई एक और एडिटिंग ला दिया, कुछ इस प्रकार से फोटो एडिटिंग आप लोगों के बीच दिखाई दे रहा है, कितना हाई क्वालिटी एडिटिंग। ठीक है, तो भाई अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दिया कुछ इस तरह के एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के फटाफट वीडियो के स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो फाइनली भाई, बहुत सारे यूट्यूब आप लोग को हमारे जैसा हाई क्वालिटी नहीं बताएगा। ठीक है, आपको 100% कैसे हम HDR करते हैं इसको सब कुछ जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो फाइनली कुछ नहीं करना, आपको एक एक स्टेप को ध्यान में रखना है। फाइनली मैं इसका ओरिजिनल फोटो ले लेता हूँ। फाइनली मेरा देख सकते हैं, मेरा इसके ओरिजिनल फोटो है, मेरा डुप्लीकेट। ठीक है, तो आपको 100% इस तरह का कलर हम करके दिखाएंगे आप लोगों को, बैकग्राउंड को कैसे कलर करते हैं इस तरह कलर आपको करके 100% दिखाएंगे। ठीक है, तो फाइनली कुछ नहीं करना, इसको शेयर करना है लाइटरूम वाला एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले लाइटरूम वाला एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। इधर लाइटरूम हम शेयर कर दिए अपने फोटो, देख सकते हैं मैसेज आ गया। सो हे गाइस, तो आ चुके हैं, देख सकते हैं मैं अपने लाइटरूम और एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ आप लोग के बीच। तो फाइनली कुछ नहीं करना है, आपको एक एक स्टेप को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना यूज करना है आप लोग को। फाइनली क्या करेंगे, सबसे इधर देख सकते हैं, इधर कॉलर का एक ऑप्शन है, देख सकते हैं आप लोग को, एक एक स्टेप को ध्यान में बताते हैं। कॉलर इसमें चल जाएंगे, कॉलर में इसमें जाने के बाद फाइनली भाई क्या करना, इधर जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक सेटिंग है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे सेकंड वाले ऑप्शन को चुन लेना है, मतलब दूसरे नंबर अबाउट को। फाइनली अबाउट में क्लिक कर देते हैं। अबाउट में होने के बाद फाइनली देख सकते कैसा कलर हो गया। फिर से क्या करेंगे, इसको हम माइनस, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, जो इस वाले सेटिंग है इसको कम कर देंगे। इसको फाइनली हम कम कर देते हैं, पूरा जीरो कर देंगे। ठीक है, फाइनली जीरो में कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद भाई क्या करना है, इसको ले लेना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इसको इधर मिक्स के ऑप्शन में चल जाना है। मिक्स में जाने के बाद फाइनली क्या करना है, इधर आप लोगों को काफ़ी सारे सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुछ नहीं करना, एक एक स्टेप को ध्यान रखना है। ठीक है, तो फाइनली इस पर क्लिक कर देते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद फाइनली भाई क्या करेंगे, इधर जो सेकेंड वाले ऑप्शन है इसको बढ़ाएंगे, इसको इतना माइनस करेंगे, देख सकते हैं कैसा हुआ हो रहा है। उसके बाद उसके सेकंड वाले ऑप्शन को इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी आप लोग के सामने देख सकते हैं। फाइनली भाई एक एक स्टेप को आपको ध्यान में रखना है, तभी सीख पाएंगे हमारे जैसे कुछ एडिटिंग। ठीक है, इस तरह रखना है। उसके बाद भाई क्या करेंगे, इधर जो रेड कलर का एक ऑप्शन है फाइनली इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें क्लिक करने का इसको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन इसको इतना बढ़ाएंगे। ठीक है, इतना बढ़ा देंगे, 100 रखेंगे। ठीक है, तो फाइनली भाई हो गया। इतना करने के बाद फाइनली भाई क्या करेंगे, इधर जो हरा वाला ऑप्शन है, ग्रीन हरा, उसमें क्लिक कर देंगे। इसमें क्लिक करने के बाद फाइनली भाई इसको -100 माइनस कर देना है, माइनस इधर इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसको माइनस कर देना है। इधर भी एक पीला वाला ऑप्शन है, जो पीला वाला ऑप्शन है इसको भी माइनस करना है। ठीक है, येलो इसको भी माइनस करना है। ठीक है, तो फाइनली देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी आपको, हम जानते हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है फोटो, उसको भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई क्या करेंगे, इसमें क्लिक कर देंगे, इसको डन कर लेंगे हम। ठीक है, तो फाइनली भाई देख सकते हैं आपको इस तरह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। फाइनली सर लाइट का एक ऑप्शन है आप लोगों के सामने, जो दिखाई दे रहा है लाइट का एक ऑप्शन, इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने सबसे लास्ट वाले ब्लैक्स दिखाई दे रहा है आप लोग देख सकते हैं, इसको माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद इसके सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना, इधर इसको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर चल जाएंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जान देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक एक स्टेप का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फाइनली देख सकते हैं कितना, मतलब जितना रखा हूँ उतना इसको सेकंड वाले ऑप्शन से आएंगे। ठीक है, देख सकते हैं जितना रखा हूँ उतना ही रखना है आप लोग को। उसके बाद क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, इधर जो इफेक्ट का एक ऑप्शन देख सकते हैं, इफेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर इसको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। देख सकते हैं ध्यान, अगर आपको समझ नहीं आता वीडियो रुक को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली इसको इस तरह करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, 100 कर देना है। ठीक है, 100 कर देना है, 100 जितना भी रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। फाइनली मैं इतना रखना हूँ, देख सकते हैं इधर देख सकते हैं। तो फाइनली भाई इसको क्या करना है, इसको फिर से इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, सिर्फ एक एक स्टेप का ध्यान में रखना है आप लोग को। ठीक है, तभी एडिटिंग हमारे जैसा सीख पाएंगे। इसमें क्लिक कर देंगे आप लोग को, इसमें क्लिक करने का फाइनली भाई क्या करेंगे, जो नॉइस रिकॉर्ड लिख रहा है तो देख सकते हैं इधर, फाइनली इस पर इसको बढ़ा देंगे इतना। ठीक है, इतना बढ़ाने के बाद अपना फोटो में क्वालिटी देखिएगा, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो फाइनली भाई इसको करने का फाइनली भाई क्या करेंगे, फिर से कलर में जाएंगे आप लोग के सामने देख सकते हैं, इधर कलर है,
इधर फिर से आते हैं। कॉलर में जाने के बाद भाई क्या करेंगे, इधर मिक्स का एक ऑप्शन है देख सकते हैं, इसको ले लेना है। उसके बाद भाई इसमें आए, इसको माइनस करना है ठीक है, थोड़ा सा माइनस इसको इस वाले ऑप्शन में माइनस कर देना ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए आपको बताते हैं हाई क्वालिटी स्मूथ कैसे किया जाता है ठीक है। तो आप लोग तो लाइट तो देख सकते हैं लेकिन हाई क्वालिटी स्मूथ नहीं कर पाते हैं ठीक है। तो फाइनली भाई क्या करना है, आप लोग को इधर से फोटो को सेव कर लेना है। फाइनली मैं सेव कर लेता हूँ, सेव हो रहा है। तब तक आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कहते होंगे जब आयुष भाई क्यों इतना फास्ट बताता हूँ, मैं फास्ट नहीं बताता हूँ ठीक है जान, आप लोग को समझ नहीं आता वीडियो स्किप कर देते हैं। फाइनली इसको डन कर लेंगे। तो हे गाइस, हम आ चुके हैं देख सकते अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। चलिए आपको बताते हैं हाई क्वालिटी कैसे स्मूथ किया जाता है 100% आप लोग कुछ इस प्रकार से फोटो एडिटिंग में सीखा बताऊंगा ठीक है। फाइनली इसमें गैलरी में हम चले जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद फाइनली देख सकते मैं वही फोटो लिया हूं जो आपको लाइटरूम वाले एप्लीकेशन के अंदर बताया हूं ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले शेयर करते हैं इसको स्केच बुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। भाई आपको पता होगा मैं दो स्टेप में फोटो बताता हूँ, सिर्फ दो ऐप तीन ऐप में ठीक है। तो फाइनली इसी में आपको बताएंगे, स्केच मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, फाइनली चल जाते हैं। तो हे गाइस, देख सकते हैं मैं अपने स्केच मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे कैसे बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर लोग एडिटिंग करता है। तो फाइनली इसमें सेटिंग पर क्लिक कर देंगे, आप लोग को सामने सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। इसमें क्लिक करें, देख सकते हैं मेरा फेवरेट ब्रश है आप लोग को सामने जो दिखाई दे रहा है। आप लोग सेटिंग भी देख सकते हैं काफ़ी सारे, मतलब जितना भी सेटिंग आप लोग देख सकते हैं ठीक है। हाई क्वालिटी सेटिंग जितना भी रखा हूँ आप देख सकते हैं, मतलब जैसे मैं आपको 100% इस तरह का सेटिंग आप करते हैं तो इस तरह का एडिटिंग आप करना सीख जाएंगे ठीक है। तो फाइनली भाई क्या करना, चलिए आपको फटाफट स्टार्ट कर देते हैं कैसे स्मूथ किया जाता है। तो फाइनली भाई क्या करना है, इस तरह ब्रश को ले लेंगे, उसके बाद इस तरह करना है अपने, मतलब देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी हो रहा है। ऐसा ही करना है आप लोग को, ऐसा ही आप लोग को करना है ठीक है। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको हैंड चलाना है, मतलब हाथ चलाना है ठीक है। तो फाइनली इस तरह चलाते हैं, देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी हो रहा है आप लोगों के बीच। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए कुछ इस तरह के एडिटिंग के लिए ठीक है। थोड़ा मैं कर देता हूँ, आप लोग को देख सकते हैं। जैसे कितना हाई क्वालिटी में स्मूथ की कर दिया हूँ, थोड़ा सा ये भी कर देते हैं भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, सपोर्ट तो सपोर्ट जान। भाई लोग देख सकते हैं आप लोग के सामने पूरा लाइव बताया हूँ कितना मैं मेहनत करता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक बिना लाइक किए ही चल जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं बहुत ही जल्द। आर डेस्क भाई आपके लिए लाएगा बहुत ही खतरनाक एडिटिंग। गुड बाय।